एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोता दिखा। राजा ने मंत्री से कहा, देखो ये किसान कैसे इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी चैन से सो रहा है, जबकि हम सारी सुविधाओं के बावजूद थोड़ी भी अड़चन में ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री बोला, महाराज ये सब अभ्यास के कारण है, इसकी परिस्थितियाँ इसी तरह की हैं, इसलिए ये उनका आदि हो गया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर और बहुत ही सुकोमल भी है, जैसी व्यवस्था उसे मिलती है वो उसका आदि हो जाता है। राजा को मंत्री की बात सही नहीं लगी, उन्होंने कहा इसकी परीक्षा ली जाए। राजा उस किसान को अपने साथ राजमहल ले आए। यहाँ उसके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई, उसे बेहद नरम बिस्तर सोने के लिए दिया गया। किसान राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इस तरह 2-3 महीने बीत गए, किसान उन सुख सुविधाओं का आदि हो गया। फिर एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए। किसान सारी रात करवटें बदलता रहा, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने गए। किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ गड़ने वाली चीजें हैं, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। ये सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज ये वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन अब ये राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदि हो गया है। अब इसे पत्ते और तिनके भी चुभते हैं, इसलिए मेरा कथन सत्य ही है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदि नहीं बनाना चाहिए।